नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपीपीसी 2018 में जो 10 बड़े चेंज हुए हैं वो हम लोग देखेंगे, और प्लस पिछला वाला जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन दी, उसमें से कुछ बातें बताना शायद मिस हो गई थी वो यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो 10 बड़े चेंज की बात कर लेते हैं कि आपका ये जो हो गया है, पहला बात ये कि निगेटिव मार्किंग, ये तो सबसे बड़ा चेंज है, 1/3 निगेटिव मार्किंग हो गई है। ठीक है, पहला बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जीएस का जो सिलेबस है यूपीएससी का लगभग कॉपी है, और इसमें एथिक्स वाला है और प्लस एथिक्स वाला पेपर भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें हैं, प्लस पहला वाला जो है कल्चर और वो सब फिजिकल ज्योग्राफी, तो लगभग यूपीएससी का ही लगभग अप्रॉक्सीमेटली वही सिलेबस है। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरा ये है कि सोशल वर्क और डिफेंस का सिलेबस थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। एक्चुअली आप देखेंगे तो जितने भी ऑप्शनल हैं थोड़ा सा उसमें चेंज जरूर किया है हर ऑप्शनल में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई कुल मिला के। और फिर एक ये जो डाउट आ रहा था आप लोगों में कि क्या ACF जो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट रेंजर, इन दोनों का जो इस, देखिए ये वाला जो है, जैसे आपका UPSC होता है कि UPSC आपका प्रीलिम्स हो जाता है और सिविल सर्विसेज के लिए मेंस अलग होता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अलग होता है, वैसे यहाँ भी होगा, UPPCS प्रीलिम्स हो जाएगा। अब इसमें जो सिविल सर्विसेज वाली पोस्ट है उनके लिए मेंस अलग होगा, और जो ये कंजर्वेटर वाली फॉरेस्ट वाली पोस्ट है ये अलग होगा। उसके अलावा एक ये चीज़ है कि लोअर PCS की कुछ वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं, काफ़ी सारी इसीलिए वैकेंसी हो गई। उसके अलावा एक ये चीज़ है कि इंटरव्यू जो है उसके नंबर कम करे गए हैं, 100 नंबर का हो गया है इंटरव्यू। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ आप लोग जो बहुत पूछ रहे हैं कि कैटेगरी वाइज सीट एक्चुअली यहाँ पर नहीं दी हुई है। ठीक है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि प्रीलिम्स होगा कब, उसकी डेट भी इस नोटिफिकेशन में तो कहीं नहीं दी गई है। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि आयोग ने बोल दिया है पहले भी, कई बार बोल चुके हैं वो लोग कि 19 अगस्त को ही होगा, और हम यही मान के चलेंगे जब तक कोई ऑफिशियल ना आ जाए। मार्केट में काफ़ी सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आयोग बोल चुका है, देखिए इस बात आपके पास कोई मौका नहीं है, आयोग ने बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा है, कैलेंडर में भी है। ठीक है, तो अगर आयोग ने इसमें नहीं भी लिखा है तब भी आप यही मानिए कि 19 अगस्त ही होगा। और दूसरी बात यह कि मेंस की भी इसमें डेट नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कुछ कुल मिला के। और इसमें देखिए GS का सिलेबस है, उसको हम लोग एक अलग वीडियो में पूरा एनालाइज करेंगे कि कौन सा सिलेबस के लिए क्या करना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए भी पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं क्या करना चाहिए। ठीक है, कि कैसे आप मिनिमम से मिनिमम कर पढ़ के, और देखिए प्रीलिम्स का एक्चुअली ना कुछ चेंज नहीं किया है। एक बात और यहाँ पे की है सबसे बड़ी चेंज, कि अगर आप इसमें देखेंगे कि ये चेंज किया है यहाँ पे कि यहाँ पे अब आपको प्री में और मेंस में सब में मिनिमम मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए ये जो दिख रहा है ये आपको कि मिनिमम इफिशेंसी स्टैंडर्ड फॉर SC ST ये 30% फिक्स किया गया है कमीशन के द्वारा। मतलब हर पेपर में SC और ST कैंडिडेट को 30% तो लाने ही होंगे, और जनरल के लिए किया गया है 40%। और देखिए एक बात तो ये लिखा हुआ है, मतलब और ये भी ऐसा है कि प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी हर पेपर में। एक और चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई हिंदी की, अगर आप देखेंगे इसमें तो हिंदी में भी ये अलग से लिखा हुआ है कि हिंदी के लिए कुछ मिनिमम मार्क्स होंगे। अब वो मिनिमम मार्क्स क्या होंगे वो कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कि आपको हिंदी में भी कम से कम कुछ मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, लेकिन वो कितने होंगे गवर्नमेंट या कमीशन डिसाइड करेगा। लेकिन एक तरफ ये भी लिखा हुआ है कि हर पेपर में कम से कम 40% तो लाने ही पड़ेंगे। मतलब इसका ये है कि कम से कम आपके हिंदी में 40% तो लाने ही चाहिए, और शायद इसका कुछ और भी शायद ज़्यादा कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे, तो हिंदी में भी 150 में से कुछ ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। मतलब 40% तो 60 हो गया, लेकिन उससे भी शायद कुछ ज़्यादा कट ऑफ रखा जाएगा हिंदी के लिए। तो ये कुछ और बड़े चेंज हैं। मेंस जो आपका ACF वाला है वो अलग होगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग भी लिखी हुई है, देख रहे हैं आप कि प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग लिखी हुई है, और ये आपके 30% है वो भी। ठीक है, तो सॉरी 30% नहीं, 33% है, मतलब 1/3 है निगेटिव मार्किंग। तो ये है, मतलब आपका 1/3 काट लिया जाएगा। अगर तीन क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन काट दिया जाएगा। अब देखिए जितने भी डाउट थे मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में देखा था, कुछ कमेंट थे उसी से रिलेटेड मैंने सब डाउट यहाँ पे लिए हुए हैं, और प्लस जो बड़े चेंजेस थे वो बता दिए। अब मुझे लगता है कि शायद ये एक्चुअली 30 पन्ने का नोटिफिकेशन है, मैंने पहले पढ़ा था। और एक बात यह है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो चेंज हुआ है सब में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और GS का जो है लगभग UPSC वाले पैटर्न पे ही है, लेकिन रिटर्न होगा, तो ये बड़ी बात है यहाँ पे।
जीएस के लिए, मेंस के लिए पूरा एक स्ट्रेटजी वाला अलग से वीडियो दूंगा, उसमें एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ों के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। और प्रीलिम्स के लिए भी आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा पूरा, ठीक है, अभी कि लास्ट 30 दिन की या फिर लास्ट 35 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक बात और है कि देखिए ये नए पैटर्न के हिसाब से आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, और प्लस आपके 24 पुराने टेस्ट हैं वो भी नए पैटर्न पे बेस्ड हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, प्लस टोटल करंट अफेयर का हमारा वीडियो है ही 16 घंटे वाला, वो आप देख लीजिएगा, और प्लस मई जून का हम लोग अपडेट कर देंगे, तो करंट अफेयर का आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रुप में PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और प्लस यूपी का जो GK है, यूपी का करंट अफेयर, यूपी का सेंसस, इंडिया का सेंसस, एग्रीकल्चर का डेटा, मिनरल का डेटा, ये सब कुछ यहाँ पे आपको जो लास्ट के जो अभी हम लोग का ग्रुप चल रहा है 45 दिन का, ये 4 जुलाई को पहला टेस्ट हुआ था, 1 जुलाई से चालू हुआ है, अभी भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो पुराने मटेरियल अभी तक शेयर किया है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्लस लास्ट में बहुत सारी वॉइस समरी देनी है उसमें। तो प्रीलिम्स फोकस्ड आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7838692618, ठीक है। तो अभी भी अगर आपके पास, एक बात है बस मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आपको कम से कम 8 से 10 घंटे डेली देने होंगे, उस हिसाब से जो शेड्यूल है वो फॉलो करना पड़ेगा, और वीकेंड पे कम से कम 12 से लेकर 14 घंटे तक इतना कर सकते हैं आप। प्लस हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कोई और डाउट है तो पूछ लीजिएगा। फ्री वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ओनली UPPCS वाला ग्रुप चल रहा है, उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी टेस्ट होंगे और प्लस जो वीडियोज होंगे सब फ्री रहेंगे उनके लिए। टेस्ट जो होंगे उनका करीबन 5 आपको मिल जाएंगे, पहला वाला टेस्ट मैंने दे भी दिया था, आप उसका सैंपल देख सकते हैं हमारे चैनल में,